आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी उनमें से हो जो लॉस कर करके परेशान हो हो और समझ में नहीं आता कि मार्केट में किस डायरेक्शन में ट्रेंड चलता है कैसे मैं मार्केट को एक प्रॉपर तरीके से समझ सकता हूँ तो ये वीडियो आपके लिए है विदाउट मिसिंग मच ऑफ द टाइम लेस बिगन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इट प्रॉपरली अगर आपको लगता है कि आप एफिशियंटली ट्रेड करना चाहते हो तो दोस्तों शुरू हो जाओ आज कुछ इंटरेस्टिंग आप सीख के यहां से जाओगे तो सबसे पहला पॉइंट आपके मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां पे सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये स्ट्रेटेजी कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं क्या इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा लंबा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या फिर आप एक मिनट में लगाएंगे पांच मिनट में लगाएंगे पंद्रह मिनट में लगाएंगे तीस मिनट में लगाओगे या फिर डेली चार्ज में लगाओगे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की जब बात की जाती है तो एनी वेयर फ्रॉम वन मिनट टू फिफ्टीन मिनट टू थर्टी मिनट्स आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो ठीक है मैं आपको सबसे पहले जैसे कि हमेशा समझाता हूं तो वो मैं आपको समझा देता हूं देखिए मॉर्निंग में आपको एक चीज दिमाग में बैठानी है वो क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल फॉर यू इस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको

आफ्टरनून में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं तो इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है आप इसे निफ्टी में यूज कर सकते हो आप इसे बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो आप इसे किसी स्टॉक में यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटजी दैट आई टू शेयर विद यू चीज आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्या लगाना है इसमें सबसे पहले लगाना देखिए जब भी कभी हम किसी चीज की स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहते हैं तो या फिर हम एवरेजेस यूज करते हैं या फिर उनके साथ एक वॉल्यूम का तड़का लगाते हैं तो वॉल्यूम का तड़का मतलब क्या मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि वी वैप वी वैप क्या लगाना है अब देखो जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो वी वैप का अर्थ क्या होता है वो समझ लो सबसे पहले

आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए और क्या चाहिए आपको ठीक है सबसे पहला काम ये करना है आपको और इसमें जो ये फैक्टर होता है ना यहाँ पे देखिए जो देखिये वाली लाइन जो रहती है उसको बोलते हैं यहाँ पे यह देखिए यह होता है वीवैप की लाइन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं ठीक है और जो ये बाजू वाले दोनों बैंड्स हैं लोअर बैंड्स और अपन बैंड्स ये क्या है इसके वन एस डेटा होता है वन स्टैंडर्ड डिविएशन अब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर प्राइजेज इस वन स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और या फिर वीवैप uh, के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये दिस इज अ पॉजिटिव टेरिटरी और अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो ये दिस इज अ नेगेटिव टेरिटरी अगर ये बैंड जो है वो छोटे पास में है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्राइजेक्शन है अभी एक्सपेंशन हो जाएगा अब यहाँ पे क्या चीज समझनी है हमें सिंपल सी बात है कि अगर वीवैप के ऊपर है तो पॉजिटिव है अगर इस वन एस के ऊपर है तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है आपको कभी भी अंदेशा ये नहीं लगाना है कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा गिरावट आ जाएगी गिरावट आएगी भी तो इस वीवैप की लाइन तक आएगी बेटा इसके ज्यादा नहीं आएगी ये आपको जानकारी होनी चाहिए अब जैसे आप बोलोगे कि हर दिन एप्लीकेबल है चाहे मार्केट ट्रेंडिंग होगी नॉन ट्रेंडिंग हो बेटा हर दिन एप्लीकेबल है आप हर सेटअप पे इसको ट्राई कर सकते हो सिंपल सा सेटअप है ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हो फिर इसमें आपको बोलूंगा कि भाई सर क्या आप इसे वन मिनट में ट्रेड कर सकते हैं कि पांच मिनट में ट्रेड कर सकते हैं देखो जब हम एवरेजेस की बात करते हैं बेटा तो वो जो होता है वो हमेशा क्या होता है जो एवरेजेस होते हैं वो उस पर्टिकुलर चार्ट पे जो कैंडल्स बनती है ना वो उसके एवरेजेस पे चलता है ठीक है उसके किस पे चलता है उसके एवरेजेस पे चलता है यानी कि आप इसे पंद्रह मिनट लगाओगे तो किसके एवरेज इस पर चलेगा पंद्रह मिनट के एवरेज इस पर चलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग आप वन मिनट पे करिए इंट्राडे ट्रेडिंग आप पांच मिनट पे करिए आपके कंफर्ट के ऊपर है लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहनी चाहिए वो बहुत जरूरी है तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग एक और इंडिकेटर यहां पे अप्लाई करेंगे वो इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज ठीक है मूविंग एवरेज कौन सा सिंपल मूविंग एवरेज वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी फैसी इंडिकेटर्स एस एम ए का यूज करेंगे एस एम ए में कौन सा लगाएंगे यहाँ पे ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज लगा लेंगे बेटा ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज की कहानी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में वो क्या है 20 पीरियड मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री अगर ये राइजिंग ट्रेजेक्ट्री है और प्राइजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है मतलब क्या है मार्केट पॉजिटिव है ठीक है और उसके बाद में अगर ट्रेजेक्ट्री ऐसा फ्लैट है और कैंडल्स दोनों साइड बन रही है मतलब क्या है मार्केट क्या है साइडवेज है अगर मार्केट में है कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और सारी कैंडल्स है, मतलब है, है? है लेकिन 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 अगर इसके चल रहा है लेकिन में होने का मतलब क्या है ये बाई ऑन डिप हो सकता है कभी भी और ये स्ट्रेट को हमेशा स्कैल्प की तरह लेना जाना चाहिए ठीक है समझ में आई बात तो हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे लॉन्ग कैसे करेंगे कैसे इसको प्रॉपरली ट्रेड करेंगे वो मैं समझा देता हूं आपको देखिए

मेरा रिस्क बेटा इतना मेरा रिवॉर्ड है इतना व्हाट इज दिस ट्रेंड नोन एज दिस इज सिंपल स्ट्रेटजी मेकिंग यू 1 इज टू 3.3 प्रॉफिट आप इसको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं आप इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं ट्रेलिंग भी समझना चाहते हैं आपको हमेशा याद रखना है मैं जब भी शॉर्ट मारूंगा तो हमेशा याद रखें कि मुझे जब भी शॉर्ट मारना है तो मैं जिस कैंडल पे शॉर्ट मारूं उस कैंडल की पिछली कैंडल पे स्टॉप लॉस रखना ना भूलें अगर स्टॉप लॉस उड़ जाता है अगर स्टॉप लॉस उड़ जाता है तो घबराएं ना ठीक है आप घबराएं ना वहां पे अगर हम स्टॉप लॉस लगा लेते अगर मैं यहां पे ट्रेड इनिशिएट करता फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे ट्रेड इनिशिएट करता इस रेड बार पे और याद रखें कभी भी शॉर्ट मारना है तो रेड बार और लॉन्ग करना है तो क्या कौन सा बार रहेगा आपका जो बार रहेगा देखिए आपका बार रहेगा वो ग्रीन बार रहेगा। अब यहाँ पे अगर समझना चाहो ये वन टू टू है, लेकिन पहला कहां तक है लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता है पिछली कैंडल पे स्टॉप लॉस लेके रेडी रहो और मार दो इसको जब भी कभी आप ट्रेड लेंगे जब भी अभी कभी आप ट्रेड लेंगे आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से जैसे मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूँ तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते वक्त अगर मैं इस कैंडल पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करता सॉरी अगर मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करता तो मुझे कितना एडवांटेज मिलता वो समझिए आप लॉन्ग पोजिशन अगर इधर पर इनिशिएट करते तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो पिछली कैंडल पर रहेगा मैंने स्टॉप लॉस लिया और ये रिस्क है कितना छ का और रिवॉर्ड कितना है वन का अब यहां पे अगर मैं अगले पोजीशन में भेज जाऊं और दोबारा मुझे जब यहां पे क्लोजिंग मिलती है तो मेरा रिस्क कितना इतना और मेरा रिवॉर्ड कितना मेरा जो रिस्क है मेरी जो एंट्री है वो वीवेप के ऊपर है और इसका जो रिवॉर्ड है वो तो कहने ही क्या इसने वन इजू इस एट का रिवॉर्ड सिस्टम मेरे लिए, लिए जनरेट किया मुद्दा क्या है मैं एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड करूं और जब मुझे शॉर्ट करना है तो मैं एक नेगेटिव टेरिटरी में होना चाहिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियली जब वीवैप के नीचे होंगे तो हम शॉर्ट करेंगे और जब वीवैप के ऊपर होंगे तो मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा अगर मुझे वीवैप के ऊपर कोई ट्रेड शॉर्ट मिलता है मैं फट से निकल जाऊंगा फट से निकल जाऊंगा क्योंकि मार्केट गिरेगा नहीं तुम चाहे जितना दिमाग लगा लो लेकिन गिरेगा नहीं ये वन मिनट की स्टोरी है ऐसी पांच मिनट में जब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं अगर ट्रेड यहां पे इनिशिएट करता तो ये रिवॉर्ड सिस्टम देखो इसका ये नेगेटिव कैंडल्स कुछ नहीं है रिट्रेसमेंट टूवर्ड्स मीन है मीन कौन से मीन है ट्वेंटी you know, आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है आप इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप गेन कर सकते हो वन मिनट के चार्ट पे मैं ट्रेड करता अगर निफ्टी में निफ्टी में ये ट्रेडिंग सिस्टम कितना इफिशियंटली मुझे बता रहा है एनी डिप टूवर्ड्स दिस एंड देन इफ यू आर शॉर्टिंग सपोज आपको मन में आ गया भाई ये तो नेगेटिव दिख रहा है सर बोल रहे थे कि शॉर्ट में बेटा यहीं पे था ना स्टॉप लॉस उड़ गया कोई बात नहीं मेरे को यहां पे इसने ट्रेड दिया मैंने क्या किया यहां पे ट्रेड डाल के इसको मार दिया मैं यहां पे अगर ट्रेड डिनिशिएट करूंगा तो मेरा रिस्क कितना मेरा ये दस पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया प्रॉफिट कितना नियरली वन इज टू टू समझ में नियरली वन इज टू टू ठीक है और वहां फिर अभी तो रिवॉर्ड गया ही मतलब अभी तो खत्म ही नहीं हुआ ना दादा अगर मैं इसको एक्सटेंड करके इसको मैं अगर ले जाता तो कितना दिया इसने नियरली वन इज तो सेवन अभी भी स्टॉप लॉस नहीं गया ये तो जाता ही गया ये तो कोई आया ही नहीं ना इसका स्टॉप लॉस तो मैं इसको ट्रेल करता जाऊं तो ट्रेल ही करता जाऊं समझ में आया तो आपको ये सब थियोरी पता होना चाहिए कभी भी शॉर्ट मारना पोजीशंस की एनालिसिस करना चीजों को प्रॉपरली समझना किस रीजन में हो आप ये सब जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी एनालिसिस पावर आपकी स्किल कभी भी वेस्ट ना जाए और आप हमेशा एक राइट अप्रोच के साथ मार्केट में उतरो बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रेटजी है यूज करो आप इसे फिन निफ्टी निफ्टी एक्सी आप इसे टीसीएस कुछ भी ट्रेड कर सकते हो मेरे भाई कुछ भी बट थियरी रिमेन सेम आपको पता होना चाहिए एस टाटा स्टील क्या नहीं ट्रेड कर सकते आप एम आर एफ बाटा इंडिया क्या नहीं ट्रेड कर सकते आप इससे निफ्टी मिड कैप क्या ही बोलेंगे अभी बोलो आप राजेश एक्सपोर्ट्स है ना एच बैंक एच सब कुछ ट्रेड कर सकते हो आप प्रोवाइडेड एच डी एफ सी एम सी क्या ही बोलेंगे बताओ क्या ही भागा है स्टॉक आप पांच मिनट की स्ट्रेटजी इसमें यूज करते तो ऐसी तैसी कर देते आप समझ में आया ये डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंटली चीजों को समझते हो जब भी आप चीजों को समझने लग जाओगे तो फिर आपका काम बनने लग जाएगा दिस इज आई हैड टू शेयर विद यू डू लेट कमेंट सेक्शन आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजिशन बनाने में कोई डिफिकल्टी आएगी क्या अब मैं एक शॉर्ट पोजिशन का एग्जाम्पल जैसे मैं अगर देना चाहूं तो अगर कोई नेगेटिव ट्रेंड मुझे मिले जैसे कभी मिलता अगर तो मैं जरूर देता उस वक्त हाँ जैसे अब इस केस में मेरे लिए ये रिजेक्शन है फ्रॉम दिस वी वै अपना

लेकिन अगर मान लो चला गया होता तो अगर मान लो चला गया होता तो, तो क्या होता डू 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 यानी कि कोई चीज अगर आपने शॉर्ट मारी 43620 पे तो क्या होता 43540 दिखा दिया और मैं अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो जब अगर मैं यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा ना बेटा तो मेरे को कभी भी स्टॉप लॉस की चिंता नहीं करनी है क्योंकि स्टॉप लॉस कटेगा ही नहीं आपको मैं कितना भी समझा दू स्टॉप लॉस नहीं कटेगा टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा डोंट वरी अबाउट इट ये बहुत ही एफिशिएंट टूल है इसका इस्तेमाल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्टली यूज कर सकते हो जैसे अभी शॉर्ट पोजिशन बनानी है यहां तक क्या है दिस इज जस्ट रिट्रेसमेंट लेकिन यहां यहां खचाक से मारो भाई तुम्हारे लिए सीधा सीधा स्टोरी है 880 से 640 भाई 240 पॉइंट्स और क्या चाहिए तुमको जाने मन तो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर इंफॉर्मेशन पसंद आ रही हो तुम्हें तो मेरा चैनल पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और मेरा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर हां ऐसे ही आप फायर्स में ट्रेड करना चाहते हो और मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वो भी कर लीजिएगा ठीक है और उसका सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि फायर में अकाउंट कैसे खोलना कैसे यूनिवर्स में जुड़ना सारी चीजें वहां हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये चीजें अप्लाई करिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? ये कोई तुक्का चीज नहीं है ये आपकी जिंदगी बदल सकती है ध्यान रखना मेरी बात टेक केयर एंड लव यू ऑल ऐसी और यूजफुल वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए क्या सीखना चाहते हैं सिखाऊंगा जरूर दुआ में याद रखना बाय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्या लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा मैं टेक केयर एंड सी यू ऑल थैंक यू बाय